हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही सिंपल अपना स्लीव्स का डिज़ाइन जो बहुत ही इजी वे बताऊंगी एंड बहुत ही जल्दी से ये आपका डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा सो so, यहाँ पे मैंने नॉर्मल स्लीव्स को कटिंग कर रखा है इसकी जो मोरी है थोड़ी मैंने ज़्यादा ली है तो यहाँ पे आठ इंच के करीब मैंने अपनी मोरी ली है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें छोटी बड़ी कर सकते हैं मैं यहाँ पे प्लेट्स डालूंगी तो सबसे पहले सेंटर में आपको इस तरीके से एक कट लगा देना है कट लगाने के बाद आप इसे ओपन कर लें एंड ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक एक इंच की यहाँ पे प्लेट्स देनी है तो कुछ इस तरीके से दोनों तरफ से आपको प्लेट्स उठानी है एंड इस तरीके से इसमें इस्ट्रच कर लेना है तो ध्यान रहे आप जब इसमें प्लेट्स डालें तो आपकी जो मोरी है उतनी होनी चाहिए जितनी आपको चाहिए होती है तो यहाँ पे मैं इसे स्ट्रिच कर लूँगी तो स्ट्रिच होने के बाद में इसे मेजर कर लूँगी कि हमारी जो मोरी है वो कितनी हो गई है सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसमें मेजर कर लेना है तो यहाँ पे मुझे 11 इंच चाहिए थी तो ये 11 इंच है उसके बाद हमने यहाँ पे एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 4 इंच के करीब ली है एंड लंबाई जो है वो मैंने अपने ली है मैं इसमें फ्रिल डालूंगी तो ये बाईस इंच की है उसके बाद आपको इसे फोल्ड कर लेना है फोल्ड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसे कट करना है तो बन साइड की तरफ से आपको इसे कट करना है नोक जो है हमारी ओपन साइड की तरफ आनी चाहिए तो यहाँ पे मैंने इसे कटिंग कर लिया है कटिंग करने के बाद इसको मैं स्ट्रिच करूंगी तो यहाँ से सिर्फ आपको एक बार ही स्ट्रिच कर लेना है तो स्ट्रिच करने के बाद आपको इसे राइट साइड पे से टर्न करना है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसे राइट साइड पे टर्न करूंगी तो ये हमारी नोक बन के बाहर की साइड आएगी तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा अच्छे से आपको नोक को निकाल देना है उसके बाद आपको इसके अंदर फ्रिल ऐड करनी है तो यहाँ पे आपको स्ट्रेच करते जाना है एंड एक एक, एक इंच की प्लेट्स को डालते चले जाना है पूरी पट्टी पे मैं इसी तरीके से एक एक, एक इंच की प्लेट्स को डालती चली जाऊंगी यहाँ पे मैंने एक पट्टी तैयार कर ली है फ्रिल की इसी तरीके से सेम प्रोसेस से आपको दो पट्टियों को तैयार कर लेना है एंड दोनों के ही पहले नोक निकालनी है आपको दोनों में उसके बाद आपको इसमें फ्रिल डालनी है तो उसके बाद आपको नोक वाला हिस्सा जो है वो सेंटर में आना चाहिए एंड इस तरीके से आपको इस फ्रिल की पट्टी को लगाना है अपनी मोरी पे यहाँ पे मैंने एक पट्टी को लगा दिया है उसी तरीके से आपको दूसरी पट्टी को भी इसी तरीके से लगाना है जो नोक वाला हिस्सा है हमारा वो सेंटर में आना चाहिए एंड उसके बाद इसको कट स्टिच कर लें ले। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हम बाद में कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है स्टिच करने के बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको मैं साइड से कटिंग कर लूंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसका साइड का फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लिया है उसके बाद आप इसे जब राइट साइड पर टर्न करेंगे इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे तो जो एक्स्ट्रा हमारा पीछे की साइड फैब्रिक होगा वो ऊपर की साइड कर दें आप एंड इसे स्ट्रिच कर लें तो अच्छे से आपकी जो प्लेट्स हैं वो बैठ जाएंगी तो यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रिच कर लिया है स्ट्रिच करने के बाद इसका लुक इस तरीके से आएगा उसके बाद हम इसमें बो बनाएंगे बो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो अलग कलर के फैब्रिक लिए हैं कंट्रास्ट में उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे तीन इंच के करीब है दोनों फैब्रिक की एंड चौड़ाई हमने दो दो इंच के करीब ली है उसके बाद मैं इसे एक दूसरे के ऊपर रखूंगी एंड दोनों साइड की जो लंबाई है उस तरफ से आपको स्ट्रिच कर लेना है सबसे पहले तो सबसे पहले आपको लंबाई से ही स्ट्रिच करना है तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ लंबाई में इसे स्ट्रिच कर लिया है उसके बाद आपको इस तरीके से इसे ओपन करना है ओपन करने के बाद इसकी साइड की फ़िटिंग करनी है दोनों जो सिलाई है वो आपकी सेंटर में आ जानी चाहिए एक दूसरे को फेस करनी चाहिए उसके बाद आपको इसको एक तरफ़ से स्ट्रिच कर लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा कैमरा हमारा ब्लर हो रहा है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा फिर भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने साइड की इसकी फ़िटिंग दे दी है साइड की स्ट्रिच देने के बाद आपको इसे राइट साइड पर टर्न कर देना है एक तरफ से आपको बाद में स्ट्रिच देनी है तो राइट साइड पे जब हम इसे अच्छे से टर्न कर लेंगे अच्छे से आपको इसकी नोक जो है वो निकाल लेने हैं कोने तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया है राइट साइड पे टर्न कर दिया है उसके बाद दूसरी तरफ से कॉटन कपड़े को आपको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है एंड इसके ऊपर स्टिच लगा देना है तो ये हमारा जो एक बॉक्स की तरह तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बो का फैब्रिक हमने कंप्लीट कर लिया है उसके बाद एक सुई धागे की हेल्प से आपको इसके अंदर बो बनानी है तो बिल्कुल सेंटर आपको मार्क कर लेना है पहले तो यहाँ पे आप इस तरीके से मोड़ के देख लें सेंटर पे उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा कच्चा कर लेना है इस तरीके से जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसा करने के बाद आप जब धागा खींचेंगे तो आपका बो कम्प्लीट हो जाएगा ये देख सकते हैं उसके बाद अच्छे से धागे को लपेट लें एंड अच्छे से पक्का कर लें इसे तो हमारा जो बो है वो कंप्लीट हो गया है उसके बाद ये हमने पट्टी बनाई है इसके ऊपर हम इसे इस तरीके से लगा देंगे जिससे हमारा धागा शो ना हो बाहर की तरफ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका लुक आएगा पीछे की साइड से आपको इसे स्टिच कर लेना है इस पट्टी को तो बो हमारा कंप्लीट हो गया है गाइस देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है उसके बाद आपको अपनी स्लीव्स ले लेनी है यहाँ इस मैंने आयरन कर लिया है इससे जो है बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ गई है एंड बीच में हमें बो को लगा देना है तो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक एंड सिंपल सी स्लीव्स एंड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल इसका लुक आया है तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग